आपको अगर बार बार नाक से पानी आता है, बार बार नाक बहता है, नाक बंद रहता है, तो हमारे कान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, बात करते हैं क्या है क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन। दोस्तों, बहुत बार जो है हमें कान की जो प्रॉब्लम है उसके कारण परेशान होते हैं। आए दिन हम एंटीबायोटिक खाते हैं, आए दिन हम जो है जितनी प्रिकॉशंस रखते हैं उसके बाद भी क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन होता है। तो जानते हैं क्या है क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन। क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन दैट मीन्स दोस्तों, आए दिन हर महीने में या दो महीने में आपके कान से क्या है, पस का डिस्चार्ज होना, कान के अंदर पेन होना, कान के अंदर इचिंग होना एंड कान की प्रॉब्लम के कारण आप परेशान होना, दिस इज द क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन प्रॉब्लम। दोस्तों, बात करते हैं क्या वो कारण है जो क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन को जन्म देते हैं। दोस्तों, सबसे मेन तो कई बार आपको जो है अपन हैबिट से रिलेटेड भी कई बार क्या है क्रोनिक इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें जो मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है ना कान में, दोस्तों फंगस लग जाती है। अब आप बोलोगे सर ये फंगस कहाँ से आती है। अगर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो घर में अगर बिल्कुल साफ सुथरे घर में भी अगर अचार के डिब्बे को खुला छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस आ जाती है, व्हाइट व्हाइट जो है वो क्या है, फंगस। तो हमारे वातावरण में क्या है, फंगस प्रेजेंट होती है। तो बहुत बार जो पेशेंट, जो लोग जो ईयर के अंदर जो है ईयरबड, पेन, पेंसिल्स, कीज जो फ्रिक्वेंटली यूज में करते हैं, तो एक तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो फंगस है ये कान के अंदर जो है इन्फेक्शन क्रिएट करती है। दोस्तों, सेकंड क्या होता है कि जो कान के अंदर जो हमारा बैरियर है, बैरियर मींस एक कमरे का दरवाजा, उसका बैरियर है, वो दरवाजा अंदर डस्ट और सारी चीजों को जो है वो रोकता है। ऐसे ही हमारे कान के अंदर एक टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको लोकल भाषा में हम पर्दा बोलते हैं। तो ये कान का पर्दा दोस्तों इंटैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो हेल्दी होना चाहिए। ये कान का पर्दा जैसे सपोज करो दोस्तों इंटैक्ट नहीं है, कान के अंदर छेद हो गया हो, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, किसी के कान के पर्दे पे थप्पड़ लग गई, चोट लग गई, या किसी के कान के अंदर जो है ट्रॉमा हो गया किसी कारण से, तो वो जो छेद हो जाता है तो उसका बैरियर खत्म हो जाता है। तो उसके कारण क्या है कि वहां पे जो है कान के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहां पे पस डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट उसका जो है वो कारण है क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन का। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार क्या है हमारे जन्मजात विकृति होती है कि हमारा जो कान का जो ये छेद है ये फुली डेवलप नहीं होता, उसके कारण भी क्या होता है कि जो हमारा क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन होता है। बहुत बार दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी होता है कि आप ऐसे जगह में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर हो जहां बहुत सारा डस्ट है, तो उसके कारण भी जो है वो आपको जो है वो क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कान की प्रॉब्लम नहीं है बट वो कान को अफेक्ट कर रही है, हमारी नेजल एलर्जी। आपको अगर बार बार नाक से पानी आता है, बार बार नाक बहता है, नाक बंद रहता है, तो हमारे कान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, अगर आपको पता हो, एक हेल्दी ईयर के लिए एक हेल्दी नोज का होना बहुत जरूरी है। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा कान जो है वो नाक के पीछे के हिस्से में, गले में ओपन होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें 10% एयर कंटिन्यू आनी चाहिए एंड जानी चाहिए। ईयर का एक वेंटिलेशन है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप फ्लाइट पे गए हो तो कान में क्या बारी बारी पॉपिंग हो जाता है? आपने देखा है कान, जो बच्चे हैं जुकाम लगते ही कान में दर्द हो जाती है? यस, यही तो कारण है कि वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। इसलिए आपको अगर आपके नोज में कोई पैथोलॉजी है, कोई पॉलिप है, कोई नेजल एलर्जी है, नेजल डिस्चार्ज है, आपके साइनस की प्रॉब्लम है, तो आपको धीरे धीरे जो हमारा कान का पर्दा है उसका वेंटिलेशन नहीं होता और पर्दा चिपक जाता है एंड धीरे धीरे आपको सुनाई कम देता है एंड बहुत बार क्या है कान से पानी भी बहने लग जाता है। So, दोस्तों, ये क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी हैबिट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नेजल एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा थ्रोट से रिलेटेड भी। दोस्तों, अगर आपको जो है क्रोनिक स्मोकर है और आपको टॉन्सिल वगैरह की हाइपरट्रॉफी है, आपको स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रहता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन का। So, दोस्तों, देखा आपने अपने आप में, सोचो देखो कि ऐसी कौन सी जो प्रॉब्लम है जिससे मैं रिलेटेड हूं, जो मैं क्रोनिक ईयर जो है प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की, उससे बच सकता हूं। कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी एंड आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जो है वो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों हम उसका रिप्लाई करेंगे एंड सून क्या है वो कारण जिससे सुनाई कम देता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।